नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। बात करते हैं 94-95 हो चुके हैं, इसका मतलब दूसरे से ई सेक्शन भी ज्वाइन कर ही पा रहा है ऑब्वियसली। आज हम लोग नया केस देखेंगे एंड द नेम ऑफ द केस इज SP आनंद वर्सेज HD देवेगौड़ा। SP आनंद वर्सेज HD देवेगौड़ा। अगर आप लोग के पास केस मैट हो या केस मैट नहीं भी है ना, तो आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास रख करके बैठिए और हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड व्हाट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। एसपी आनंद वर्सेज HD देवेगौड़ा के द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज HD देवेगौड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट रिमेम्बर ही इज नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। दोनों के ही सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। सो इन दिस केस अगेंस्ट दिस अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर HD देवेगौड़ा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर SP आनंद हैज फाइल्ड अ रिट पिटिशन। And what is the main contention of the writ petition? The main contention of this petition is a person who is not. मेरी आवाज सही आ रही है? मैं ठीक हो रही है आपकी वॉइस? सत्यांश सत्यांश टर्न ऑफ योर कैमरा। सत्यांश सत्यांश को क्यों हो रही है? इको तो नहीं होनी चाहिए। अभी सही आ रही है मैम? आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है, चलो ठीक है। फिर कुछ लोग का हो सकता है कुछ पर्सनल ऑनलाइन में ये सब दिक्कतें तो आती हैं। चलो हाँ, तो इन द केस ऑफ SP आनंद वर्सेस HD देवेगौड़ा द मेन इशू इन दिस केस इज द पिटिशनर इज सेइंग दैट अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। अब तुम सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 सेज, 75 सब क्लॉज 5 व्हाट इट सेज, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ये तो देखा ही आप लोगों ने, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल 75। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। बट व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इन दिस केस? द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इन दिस केस इज हियर अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 टर्म मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो एज पर हिम देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर्स। दिस 75 सब क्लॉज 5 इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फॉर मिनिस्टर्स एंड नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए इन्होंने तर्क क्या दिया? इसके लिए इन्होंने तर्क ये दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 सब क्लॉज 1 सेज प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप it can be extremely dangerous if you are going to appoint a person as prime minister who is not a member of either house of parliament even for 6 consecutive month. kyunki ye keh rahe hain ki agar hum ye maan bhi le ki 75 sub clause 5 mein term minister also includes prime minister, then in that circumstances also the problem is a person who is not a member of either house of parliament even if he is going to be appointed for 6 months it can be extremely disastrous because within 6 months he can destroy so many things because the position of prime minister is a position which is the most powerful position. So at least in a democratic setup the prime minister should definitely be elected either from the Lok Sabha or from the Rajya Sabha. देखो अगर आप लोग इनके इस इन, इनका ये जो कंटेंशन है इसकी अगर आप लेटरल इंटरप्रिटेशन करते हो या फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन भी करते हो देन बोथ द सर्कमस्टेंसेस इट सीम्स क्वाइट साउंड। साउंड क्यों लगता है? साउंड इसलिए लगता है बिकॉज द इन द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन।
he can take all sorts of decision, and we have discussed the power of the president also. Even president work on the advice of the council of ministers, which is headed by the prime minister. So basically wahi advice president ko jati hai jo ki prime minister chahta hai. So the actual power of executive that lies into the prime minister of India. So how a person who is not the member of either house of parliament can be appointed as a prime minister, kyunki isme unhone bola ki isme do cheeze possible, and the first thing is maybe that person has no allegiance towards the constitution of India. दूसरी बात ये होती है कि जो elected MPs होते हैं वो किसी को भी, maybe the person is not citizen of this country, maybe there are some other issues, there may be some other controversial background, but if they are going to elect them as their leader, then he is going to be appointed as a prime minister of India. But here the will of the elected member cannot be the sole criteria to decide that who is going to be the next prime minister of India. But definitely prime minister must be a person who has an allegiance, and the people must have confidence in the prime minister of India. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि काफी समय तक ये डिबेट चलती थी कि whether it is mandatory. इसमें तो चलो मेंबर ही नहीं है, ये जो एसडी देवेगौड़ा का केस है इसमें मेंबर ही नहीं है किसी भी हाउस के. डिबेट एक ये भी है कि क्या उसको सिर्फ लोकसभा से होना चाहिए या वो राज्यसभा से भी हो सकता है. तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि सर्टेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी फॉलो सर्टेन कन्वेंशंस, एंड व्हाट इज द कन्वेंशन, द कन्वेंशन इज, ये एक कन्वेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो लोकसभा से ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रहा है. बट इट डजेंट मीन दैट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ बार दैट अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर. हियर ही इज सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी मेंबर नहीं, नॉन मेंबर, हाउ अ पर्सन हु इज नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. अब इसमें जब ये मैटर आया तो इसमें जस्टिस अहमदी का जजमेंट है, ये जब ये मैटर आया तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाया गया, और हिस्ट्री में जाने के पहले ये देखा गया कि अर्लियर प्राइम मिनिस्टर को लेकर तो ऑब्वियसली नो सच केस वॉज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर, बट यस इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश वन सच पिटीशन वॉज फाइल्ड, एंड व्हाट वॉज द कंटेंशन ऑफ द पिटीशन, द मेन इश्यू इन द पिटीशन वॉज मिस्टर टी एन सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. वो न तो विधानसभा के सदस्य है न विधान परिषद के सदस्य है, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया. वेन द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट है, पहले हाईकोर्ट ने भी अप्रूव किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया कि अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर. तो यहां पर सवाल ये है कि द पिटिशनर इज सेइंग दैट द पोजिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द position of prime minister, they are very much different. Chief minister is the head of the state, but in a way, in a real term of power, prime minister is the power center of India. So if the chief minister is going to make any mischief, obviously the central government is there, but if the prime minister is going to make any mischief, then who is going to control him? That's why he is saying the only elected member can be appointed as a prime minister and not anybody else. But in the case of chief minister, a non-elected member can also be appointed as a chief minister. तो इनका ये कहना है कि chief minister तो बन सकता है लेकिन prime minister नहीं बन सकता. इसमें detail में जाने से पहले मैं आप लोगों को, case material तो आपके पास होगा नहीं, आप लोग जरा खोलना article 163 खोलना, 163 constitution में. Now we will compare two things. The basically 74 and 163 and 75 and 164, and we will try to compare that how much difference is there when we are talking about the power of the president and the power of the governor, and when we are talking about the central government and about the state government. तो इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, और ये कंपेयर करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको इससे दो चीजें क्लियर हो कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द सेटअप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नर, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस देन एक्चुअली ऑन व्हाट ग्राउंड्स, हु इज मोर पावरफुल, एंड वेयर इट इज मेंशन दैट हु कैन एक्सरसाइज एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस समबडी कैन एक्सरसाइज इट, आइदर प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन एक्सरसाइज इट्स पावर. तो जब आप 163 पे आते हैं तो 163 में आप जवाब देखोगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है
देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 रिमेंबर इट इज इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 74 सो 163 इज इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 1 आर्टिकल 74 एंड 164 इज इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 75 तो जब हम 163 पढ़ते हैं तो इसको हम कंपेयर करते हैं 74 से क्या कह रहा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज गवर्नर इट इज वेरी मच लाइक आर्टिकल 75 देन फर्दर इट इज सेइंग इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिप्शन इसमें एक चीज आप याद रखना यहाँ पे अंडर आर्टिकल 163 दिस प्रोविजन इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर बट रिमेंबर नथिंग लाइक दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 74 74 में जो प्रोविजो है वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन तो मैंने आप लोग को इंटरप्रिटेशन बताया था एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इंटरप्रिटेशन इन आवर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो जहां पे वी रीच्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन दैट अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर 53 मैंने आपको बताया था इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ही कैन एक्सरसाइज हिज पावर आइदर बाय हिज ओन और थ्रू द ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम ये दो कंडीशन थी तो मैंने आपको बताया था कि ही विल एक्सरसाइज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑन हिज ओन इफ ही इज एक्सरसाइजिंग हिज एग्जीक्यूटिव पावर देन ही विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट रिमेंबर हियर इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल कर सकता है कहां पे करेगा इसको भी नोट करिएगा एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर this constitution required to exercise its function or any of them in his discretion jab aap constitution padhte ho so there are certain provisions where it is expressly mentioned that the governor will exercise its discretion ye saaf saaf likha hua hai ya the satisfaction of the governor terms has been used like the discretion of the governor or the satisfaction of the governor in certain provisions you will also get the term like the satisfaction of the president of india but when you are going to compare the satisfaction of the president of india and the satisfaction of the governor definitely the satisfaction of governor is much more broader in comparison to the satisfaction of president of india because in the existing constitutional scheme many times the satisfaction of the president is actually the satisfaction of council of ministers तो जहां पे जैसे आप आर्टिकल 356 जब पढ़ते हो ना तो उसमें लिखा है व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड बट रिमेंबर वंस द प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज स्टेट इमरजेंसी वेदर द टर्म यूज्ड इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट एक्चुअली दिस इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट ही विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आप क्लियरली देखते हो कि लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लेकिन इंटरप्रिटेशन जो उसका किया गया है वो ये किया गया है कि वाइल इम्पोजिंग स्टेट इमरजेंसी द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट रिमेंबर इन द केस ऑफ गवर्नर वेयर एवर द टर्म डिस्क्रिशन हैज बीन यूज most of the time it is going to be his personal decision means personal satisfaction or personal discretion to iska matlab agar aap compare kar rahe ho kyunki iska 163 ka sub clause 2 bhi dekhiyega ye kya kehta hai if any question arises isko dhyan se padhna if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion the decision of the governor in his discretion shall be final and the validity anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion to iska matlab kya hai inhone saaf saaf bola hai ki jahan likha hai wahan to discretion ko apni wo exercise kar raha hai sath hi sath ye keh raha hai ki if any question arises ki at this particular point the discretion must have been exercised by the governor or not वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करेगा कि एक्सरसाइज नहीं करेगा ये डिसीजन खुद गवर्नर ही करेगा जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया
पर प्रेसिडेंट को सॉरी गवर्नर को ऐसा लगता है कि उस बिल का जो कंटेंट है वो ऐसा है कि सेंटर और स्टेट दोनों के इंटरेस्ट से रिलेटेड है और इसमें बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के उसको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए या अदरवाइज इफ ही बिलीव्स बिकॉज रिमेंबर ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट तो व्हाट बेसिकली ही इज ट्राइंग टू डू ही इज ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट सो इफ ही बिलीव्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट इन द कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ द सेंटर देन इन दोज सर्कमस्टेंसेज इवन ही कैन रिजर्व द बिल वो बिल को रिजर्व कर लेगा वो साइन नहीं करेगा रिजर्व करके बोलेगा कि हम पहले प्रेसिडेंट को भेजेंगे और जब प्रेसिडेंट की मुझे सैंक्शन मिलेगी देन ओनली आई विल पुट माय सिग्नेचर आपने एक देखा होगा बहुत फेमस केस हुआ था जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि मकोका लगाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट राइट सिमिलरली द गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज गुजकोका महाराष्ट्र के ही मकोका को इन्होंने अडॉप्ट किया सिर्फ डिफरेंस था ये था कि वहां पे महाराष्ट्र की जगह गुजरात टर्म यूज किया तो वो हो गया मकोका से गुजकोका इट वॉज पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात बट वंस इट वॉज सेंट टू गवर्नर टू पुट हिज सिग्नेचर शी डिनाइड उन्होंने बोला मैं साइन नहीं करूंगी उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया रिजर्व करके प्रेसिडेंट को भेजा प्रेसिडेंट ने मना कर दिया जब मना कर दिया देन शी रिफ्यूज टू पुट हर सिग्नेचर एंड इट हैपेंड नॉट ओनली वंस इट हैपेंड ट्वाइस दो बार उन्होंने मना किया और अल्टीमेटली गुजकोका पास नहीं हो पाया तो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से एज पर 163 सब क्लॉज 2 इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द गवर्नर शुड एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन दैट इज गोइंग टू बी हिज ओन डिसीजन और इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिशन वो ये खुद डिसाइड करेगा कि उसको अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना है कि एक्सरसाइज नहीं करना और इसीलिए मैंने आपको बोला कि वंस यू आर गोइंग टू कंपेयर 74 विद 163 इट इज वेरी मच क्लियर दैट द गवर्नर हैज मच मोर डिस्क्रिशनरी पावर इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग द टर्म सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर और द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर बट साइमल्टेनियसली देयर मे बी सम अदर प्रोविजन वेयर इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन बट देन टू ही कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकता है इसीलिए कई बार आप देखिएगा कि अगर गवर्नर की चीफ मिनिस्टर से नहीं पटती है देन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस Yes, obviously. Many times what happened, the problem is अगर गवर्नर और स्पीकर की है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की नहीं पड़ती है then many times the chief minister used to say कि the governor is constantly creating hurdle in implementing the policies of the government and in passing the converting bills into act. तो ये अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि स्टेट की जो जनता है उन्होंने फिर जैसे अभी दिल्ली का इन्होंने बताया कि जीत करके तो हम आए हैं लेकिन हमारी हर बात को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रोक देते हैं या इसी तरीके की बातें स्टेट में जैसे मैंने आपको गुजरात का एग्जांपल दिया कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि असेंबली ने पास कर दिया देन व्हाई द गवर्नर इज नॉट रेडी टू पुट अ सिग्नेचर ओवर इट सो बेसिकली इन अ वे द गवर्नर इज गोइंग टू क्रिएट अ हर्डल इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस सो मेनी टाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि जो एक लेटेस्ट केस आया दिल्ली को लेकर के स्पेशली उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एलजी की जो पावर होती है दिल्ली के एलजी की वो गवर्नर की पावर से कहीं ज्यादा होती है और दिल्ली गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी कैन नॉट क्लेम सेम काइंड ऑफ पावर एज बेसिकली अ पर्टिकुलर स्टेट कैरीज और रीजन मैंने आपको इसका बताया था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपका हो गया आपका जो ऑब्वियसली पुलिस या लैंड है ये सेंटर के कंट्रोल में एंड आई रिमेम्बर वंस आई डिस्कस यू कि वाई दीज थ्री थिंग्स कैन नॉट बी गिवन टू द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि अगर ये तीनों चीजें दिल्ली सरकार को चली गई देन दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट्स ऑफ administrative complexities for the central government and the center will not be able to work properly if these three things are going to be handed over to the state government the same thing was approved in the case in this case also when there is a conflict between cm kejriwal and is case ko bhi hum log aage discuss karenge and mr najib jung उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बड़ा क्लियरली जो है कोर्ट ने बोला कि एलजी की पावर जो है यहाँ पे
हर जगह पे उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए. द थिंग्स विच आर एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वहां पे उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए. लेकिन ये भी है कि आप एलजी की सहमति से यहाँ पे सरकार चला सकते हैं. द डिसीजन एंड द डिस्क्रिशन ऑफ द एलजी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एवरी टाइम. तो ये बेसिकली ये होता है कि आप मिलजुल करके काम करिए. कोई भी दूसरे के एंटी जाकर के यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. इसी तरीके की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनी है. बट यस, नाउ इट इज क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ 74 एंड 163 दैट गवर्नर हैज मच मोर डिस्क्रिशनरी पावर इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसी तरीके से आप देखना कि अब आप इस पे जब आ जाओगे 74 सब क्लॉज 2 को कंपेयर करोगे, 163 सब क्लॉज 2 का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपका 74 में नहीं है. जो प्रोविजो वहां पे दिया गया है प्रेसिडेंट को लेकर के वो यहाँ पे नहीं दिया गया है. तो वहां पे जब आप दोनों सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा कि 74 वन है, उसके बाद प्रोविजो है, और यहाँ पे 163 वन है फिर टू है. और जैसे 74 सब क्लॉज 2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका वहां पे आपका 163 सब क्लॉज 3 है. तो 163 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, the question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into any court. So it is very much clear, it is very much like article 74 sub clause 2, and we have already discussed in both the cases the interpretation is same. Whatever advice has been tendered by the council of minister to the governor that cannot be reviewed by any court. Now let's come to article 75 aur zara isko compare karte hain with article 164. 164 क्या कहता है, 75 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको जरा देखना ध्यान से. 75 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है 164 है. 164 1 सेज द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. जो 75 में इन्होंने 1, 2, 3 करके दिया है उसमें काफी सारी चीजें 164 में क्लब कर दी गई हैं. लेकिन जब आप इसका एक्चुअल कंटेंट और इंटेंट देखते हो देन दे आर वेरी मच लाइक आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1. तो इसमें भी उसमें भी यही है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यहाँ पे गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा. अपॉइंट करने का तरीका सेम होगा. लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी का लीडर he will be appointed as the chief minister of the state. Then subsequently it is saying provided that in the state of Bihar, Madhya Pradesh, jahan pe provided that in the state of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition to be charged in the welfare. मतलब यहाँ पे जहाँ पे tribal areas हैं वहाँ पे इनकी एक ministry compulsory बनाई जाएगी. Because we know that there are certain states where which are the tribal states. जैसे आपका झारखंड हो गया, जैसे इन्होंने mention किया है, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे आपकी tribal communities होती हैं. तो वहाँ पे एक जो है minister होगा specifically for the welfare of scheduled caste and scheduled tribes and backward classes जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है. हाँ बताओ. मैम बिहार हटा दिया गया 2006 में. हट गया है. हम अब छत्तीसगढ़. ये झारखंड, सॉरी झारखंड आ गया है. झारखंड और छत्तीसगढ़ आ गया है, यही हुआ है ना. यस मैम, यस मैम. हाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ आ गया है. बिहार तो क्योंकि बिहार का जो मेजर ट्राइबल एरिया था वो झारखंड में चला गया है, और मध्य प्रदेश का जो मेजर ट्राइबल एरिया था वो आपका छत्तीसगढ़ में चला गया, और इसी तरीके से आंध्रा का मेजर ट्राइबल एरिया जो है आपका तेलंगाना में चला गया है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू 75 सब क्लॉज 2 एंड 164 सब क्लॉज 2. 164 सब क्लॉज 2 सेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वॉट एवर वी हैव रेड अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 एंड 164 सब क्लॉज 2. दोनों सेम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ लेट्स कंपेयर 75 सब क्लॉज 3 विद 164 सब क्लॉज 3. बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ द थर्ड शेड्यूल. तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन थर्ड शेड्यूल देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड विच आर बेसिकली द फॉर्मेट्स ऑफ ओथ. तो जिस प्रोफार्मा में वहां पे ओथ का फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से वो ओथ लेंगे. लेकिन जब आप 75 सब क्लॉज 3 पढ़ते हो तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है. तो 75 सब क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट 164 सब क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट ओथ विच शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द
गवर्नर टू द मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थ्री, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए 164 सब क्लॉज 4, ये क्या कहता है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट प्रिस्क्राइब्ड सीज टू बी अ मिनिस्टर। द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल अंडर इन आर्टिकल 75 इज 75 सब क्लॉज 5, तो वहां पे वो बात करता है मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट, मतलब दोनों के ही केस में दे आर सेइंग अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वहां पे आप स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, और 75 भी यही कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो वो भी 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट हो सकता है एज अ मिनिस्टर। सो व्हाट इज वी हैव डिस्कस्ड बोथ द थिंग्स बिकॉज इन द केस ऑफ टीएन सिंह द कोर्ट हैज हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 द टर्म मिनिस्टर ऑल्सो इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर, बट वॉट इज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इन द केस ऑफ एस पी आनंद वर्सेज एचडी देवेगौड़ा, हियर द पिटिशनर इज सेइंग टर्म मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। सो द मेन इश्यू हियर इन दिस केस इज कि वहां पे तो मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर आता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर आता है कि नहीं आता। एक इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज और बोली है, इसको जरा खोलिएगा, आर्टिकल 173 पे आइए जरा, 173 आर्टिकल 173 देखिए, जब आप 173 पढ़ते हो तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको ध्यान से देखना, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट अनलेस ही is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorized in that behalf by the election commission on oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. एक चीज में याद रखना कि जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हो, जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसको दो बार ओथ लेनी पड़ती है, या ओथ पे सिग्नेचर कर, ओथ के डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर करना पड़ता है। 173 कहता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले, आपने देखा होगा कि जब कोई पर्चा फाइल करने जाता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके सामने एक डिक्लेरेशन करता है, क्योंकि हमने बहुत सारे इश्यूज पास में देखे हैं जिसमें ये कहा जाता है दैट द डिक्लेरेशन इज रॉन्ग एंड द इन्फॉर्मेशन वॉज हाइट। तो इसमें ये होता है, ये मान लिया जाता है कि वंस यू हैव डिक्लेयर्ड समथिंग बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर ऑन ओथ इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन गिवन बाय यू दैट इज ट्रू। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्शन लड़के हाउस में आएगा वो दो बार ओथ लेगा, एक तो होती है इलेक्शन लड़ने से पहले और दूसरा होता है वंस द पर्सन हैज वन देन सब्सिक्वेंटली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड वो दोबारा ओथ लेता है। तो दोबारा ओथ का फॉर्मेट, इसमें दोबारा ओथ के बारे में कहां पे मेंशन किया गया, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 188 जब आप खोलोगे तो इसमें आप देखोगे एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम ऑन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जीत करके आ रहा है वो दो बार शपथ ले रहा है, ओथ ले रहा है, और ओथ का मतलब होता है, ओथ हैज सम सेंस, इट हैज सम मीनिंग, ओथ मीन्स वॉट एवर ओथ यू हैव टेकन यू आर बेसिकली गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट प्रिस्क्राइब्ड ओथ। सो इफ यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड इफ यू आर गोइंग टू विन देन द कैंडिडेट इज गोइंग टू टेक ओथ ट्वाइस, बट हियर इन दिस केस द पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट इन दैट सर्कमस्टेंसेज बेसिकली दे आर गोइंग टू टेक ओथ ओनली वंस, वो एज अ मिनिस्टर शपथ लेते हैं क्योंकि वो हाउस का मेंबर नहीं है, और अगर कोई मेंबर होता है तो दो बार शपथ लेता है, एक हाउस के मेंबर की तरह लेता है और एक उसके पहले इलेक्शन लड़ने के टाइम पे लेता है। तो ही इज सेइंग कि इट इज अ क्लियर कट discrimination that if a person is going to contest election he is taking oath twice, but if the person is directly going to be appointed as a minister he is taking oath only once,
तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि दिस इज समथिंग विच इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनदर थिंग इज सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग वायलेटेड. क्यों ये कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि द पर्सन इज सेइंग इफ द पेटिशनर इज सेइंग दैट इफ अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर एंड ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउ ही कैन बी द पार्ट ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये पार्ट कैसे हो सकता है? पार्ट के बारे में इनका ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि ये कह रहे हैं कि ही विल नॉट बी अलाउड टू कास्ट हिज वोट. ये अपना वोट नहीं दे सकता किसी भी हाउस में बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर. तो दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं बिकॉज द पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड इट कैन नॉट बी सेड दैट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव फेथ इन दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो ही इज सेइंग कि सच थिंग्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द केस ऑफ द मिनिस्टर्स इन द केस ऑफ. दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें. और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. धन्यवाद.